अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये मृत्युंजय महादेव बनारस का, बनारस के नीचे आप ठीक देखेंगे हमारे बगल में ये गंगा जी बह रही हैं, और ये ऊपर महादेव जी का मंदिर है, मृत्युंजय महादेव जी का मंदिर है। आज हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे, दिखाएंगे कि ये यहाँ पे गंगा जी कहा जाता है, बनारस में गंगा जी कर्व शेप में है, यानी अर्ध चंद्राकार शेप में आप देख सकते हैं। मैं जैसे ऐसे अपने फ़ोन को हल्का हल्का रोटेट कर रहा हूँ, ये उस पार का सीन है रामनगर का, तो इस हिसाब से पूरा ओवरव्यू। और एक चीज़ और जो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है कि जब आप ये सामने देखते हो, ये जो पुल है, इस पुल की एक खासियत है। चलिए, 2006 में पुल बनने की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के समय में इसकी की गई थी, पर इसे बनते बनते बहुत समय हो गया। 2018 आते आते इसका निर्माण कम्प्लीटली कम्प्लीट हुआ, और पता चला कि इसे मार्च में इसका इनॉग्रेशन करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने यहाँ के जो MP हैं वो इसका शुभारंभ करने वाले हैं, तो आनन फानन में दिसंबर से मार्च तक के समय में इसको आनन फानन में बनाया गया। हालांकि कई बार बाढ़ के दौरान इसका जो पिलर है, कई पिलर बह गए, लेकिन फिर भी जब इसका काम शुरू किया गया तो मार्च 2018 के आसपास इसकी जो निर्माण की गति है वो लगभग पूर्ण बताई गई। अब एक चीज़ और है, जब आप इस पुल को ध्यान से देखते हैं तो ये पुल आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला है, परंतु जब आप इस पार बनारस के साइड में आते हो तो यहाँ पे आपको एक दो पिलर है, इस दो पिलर के बीच में जो इसका शेप है ये बहुत डिफरेंट आपको दिखने वाला है। अब आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप देखोगे सब नॉर्मल है, बस आपको उन सभी पिलर को छोड़ करके इस पिलर को आप देखोगे तो ये नॉर्मल नहीं बल्कि अब नॉर्मल आपको शेप दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे गाटर दिया गया था, बाकी पिलर्स पे तो सेम गाटर है, बट इस पिलर पे आपको लोहे का गाटर दिखने वाला है। अब आनन फानन में जब इस पुल को बनाया गया था तो बना तो गया, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये लोहे का पिलर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। और बाद में इसको इस तरीके से बताया गया कि इस लोहे को पुल पे इसलिए लगाया गया है इसका पिलर, क्योंकि हो सकता है इन केस इमरजेंसी में अगर इस पुल को बीच से ब्रेक करना पड़े तो हम लोहे के पिलर को हटा सकते हैं, और ये इस प्रक्रिया के कारण इस पुल को पूरा और पूर्ण माना गया। तो देख सकते हैं आप, ये पुल है हमारे बगल में, जो कि लंका से सामने घाट और रामनगर को जोड़ता है, ये नया पुल बना था। इससे पहले यहाँ पे एक पीपा पुल हुआ करता था, जो इस पार से उस पार जाने के लिए जो रामनगर के राजा थे उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और वो कारण क्या था कि पहले PAC जो थी वो बुल्लनपुर की PAC वो मंगवाया करते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि जो बुलंदपुर PAC के जो जवान थे, यहाँ पे उन्होंने 36वीं वाहिनी PAC का निर्माण कराया रामनगर में, जो 34वीं वाहिनी है वो बुलंदपुर में पड़ता है, तो 36वीं वाहिनी जो रामनगर में उन्होंने बनवाया, तो इसके कारण, क्योंकि जो पीपा पुल था उससे जब बाढ़ आया करता था या उससे पहले, तो डायरेक्ट यहाँ से PAC नहीं पहुँच पाती थी, और वहाँ का पूरा दारोमदार PAC के हाथ में था। तो बाद में फिर ये जब पुल का निर्माण हुआ तो पीपा पुल अब लगभग लगभग ना के बराबर ही यहाँ पे जुड़ता है। और ये जो और ख़ास तौर पे देखें तो उस पार PAC का एक पुनर्गठन हुआ, दूसरी वाहिनी वहाँ पे जोड़ी गई, तो इस तरीके से यहाँ का कुछ इतिहास रहा है। और आप इसके बगल में भी मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो जो लोहे के
पीपा दिख रहे हैं, यही पहले पीपा का काम किया करते थे। अब सरकारी कामकाज के कारण ये पीपा वैसे ही पड़े हुए हैं, हम जंग खा रहे हैं। लगभग बहुत सारे, कम से कम हम आपको बता दें, कम से कम 30 से 40 पीपा ऐसे हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। सरकार की और प्रशासन की किसी की नज़र शायद इस पर नहीं पड़ रही है, हो सकता है इसी कारण ये पीपा जो है इसकी गति ऐसे ही रुकी हुई है। और इतना कीमती चीज़ पानी के साथ ये जंग खा रहा है, चाहे बाढ़ हो, बाढ़ में भी ये डूब गया था और अब तो बाढ़ का पानी लगभग नीचे जा चुका है, दिसंबर का महीना है तो। और बाकी ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो 84 घाट हैं बनारस के, उन पूरे घाट का आप दृश्य यहीं से देख सकते हैं। उस पार अभी धीरे 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 धीरे, एक्चुअली उस पार हाईवे का काम चल रहा है जो राजघाट से यहाँ रामनगर तक को जोड़ने वाला है, जो गंगा जी के घाट से लगा हुआ ठीक सटा हुआ बनने के कगार पे है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं अभी नीचे हूँ, ये है मृत्युंजय महादेव मंदिर और इसके ठीक नीचे हम अभी बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। बनारस से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ और हमेशा उन नई नई जगहों पर जहाँ पे बनारस में कुछ अच्छे काम हो रहे हों या बुरे काम हो रहे हों, मैं सबसे आपको अपडेट रखता हूँ। तो इसके लिए आप, अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ से रिलेटेड चीज़ें जाननी हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना नंबर भी दे रखा है। और बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बनारस की चीज़ें और बाहर की भी चीज़ें हम बताते हैं आपको, तो आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ज़्यादा नहीं जा रहा है।